जैसे यीशु पापी संसार के अंधकार को दूर करने के लिए आए, हम भी ज्योति के संतान के समान जीवन व्यतीत करें और लोगों के जीवन में रोशनी लाएं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मदर तेरेसा हमें एक ऐसे व्यक्ति का सुंदर उदाहरण देती है जो अंधकार से प्रकाश में लाया गया था। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में एक दिन वह एक ऐसे गरीब व्यक्ति से मिली जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जिस कमरे में वह रहता था वह बदहाली और मैला से भरा हुआ था। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं था। वह कमरे की साफ सफाई करने में लग गई। पहले तो उसने यह कहते हुए विरोध किया, इसे छोड़ दो, जैसा है वैसे ही रहने दो। लेकिन उसकी बातों को अनसुनी करते हुए वह सफाई करने में जुट गई। कूड़े के ढेर के नीचे उसे एक सुंदर तेल का दीपक मिला, लेकिन वह गंदगी से ढका हुआ था। उसने उसे साफ की, फिर उसने उससे पूछा, तुम दिया क्यों नहीं जलाते हो? उसने कहा, मैं इसे क्यों जलाऊं, कोई भी मुझे देखने नहीं आता है, मैं कभी किसी को नहीं देखता। इस पर मदर तेरेसा ने उनसे यही कही कि अगर मेरी एक बहन आपसे मिलने आती है तो क्या आप इस दिया को जलाने का वादा करेंगे? उसने हाँ का जवाब देकर यही कहा, अगर मुझे एक मानवीय आवाज सुनाई देती है तो मैं दीपक जरूर जलाऊंगा। मदर तेरेसा की दो धर्म बहनें नियमित रूप से उनसे मिलने आने लगी और उसके लिए चीजें धीरे धीरे बेहतर हुई। फिर एक दिन उसने उन धर्म बहनों से कहा, बहनों, अब से मैं अपने दम पर काम कर पाऊंगा, लेकिन मुझ पर एक एहसान करो, उस पहली बहन को कहो जो मुझसे पहली बार मिलने आई थी कि उसने मेरे जीवन में जो ज्योति जलाई थी वह अब भी जल रही है। आज के तीनों पाठ हमें आमंत्रित करती है कि जैसे यीशु पापी संसार के अंधकार को दूर करने के लिए आए, हम भी ज्योति के संतान के समान जीवन व्यतीत करें और लोगों के जीवन में रोशनी लाएं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को यही याद दिलाते हैं कि वे यीशु के शिष्य होने के नाते अपने बीच में किसी प्रकार का फूट या भेदभाव ना रखें, बल्कि एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। हम सभी ख्रिस्तियों का यही बुलावा है कि हम अपने प्रेम, दया, क्षमा, निस्वार्थ सेवा कार्य के द्वारा और नम्रता पूर्वक सभी का आदर करते हुए ख्रिस्त की ज्योति को लोगों के जीवन में प्रकाशित करें। यदि हम ऐसा करते हैं तब हम ख्रिस्तीय ख्रिस्त के ज्योति स्वरूप हम एक वास्तविक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं जो बहुतों के मार्ग को प्रकाशित करता है और घृणा, द्वेष और ईर्ष्या के कारण उत्पन्न अंधकार को दूर करता है। हम प्रार्थना करें कि हम अपने सच्चे ख्रिस्त जीवन द्वारा उस मदर तेरेसा की तरह ख्रिस्त की ज्योति को सदा जलाए रखें और निराशाजनक स्थिति में जीवन जीने वालों के लिए आशा का स्रोत बने। पाप के कारण अंधकार में भटकने वालों को ज्योति का मार्ग दिखाएं। आमीन।